अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर जी? वालेकुम अस्सलाम बुशरा। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और जो है वो, हाँ जी ठीक है, बिल्कुल उम्मीद थी मुझे कि सारे बच्चे इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे और आपने काम भी किया होगा यकीनन। थोड़े से तो थे शॉर्ट क्वेश्चन याद किए थे, लिखे थे। अच्छा जी, ठीक हो गया, सबने किया होगा, बहुत अच्छे बच्चे हैं मुझे पता है। सेवंथ क्लास तो वैसे ही बहुत अच्छी है ना, आपको पता है मेरी फेवरेट क्लास है, उसे चोरी चोरी किसी को बताना नहीं आपने, ठीक है। अच्छा जी अब हमने क्या करना था, आज इसी चैप्टर का हमने आज तफसीली सवाल करना था, ठीक है। तो तफसीली सवाल नंबर हमारा एक ही है, आज हम पहले से शुरू करेंगे, ठीक हो गया। हाँ जी, तफसीली सवाल नंबर एक, ये जो आपको मैं साथ साथ बोलती हूँ ना, ये टर्म्स, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हम लिख सकते हैं, हमारा इस्लामियत का पेपर है, ठीक है, हम इसमें थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि यहाँ भी हम उसी प्रैक्टिस को रखें, ताकि आपको, अब इसको आपको पता होना चाहिए, जब तफसीली सवाल की बात आए तो आपके जहन में वो आप ना सोचने बैठे कि ये लॉन्ग है कि शॉर्ट है, ठीक है, आपको फौरन से पता हो कि तफसीली का मतलब क्या है, ठीक है, पता होता है, बस थोड़ा सा घबरा जाते हैं एक टाइम से। तफसीली सवाल नंबर एक है हमारा आज, वो कौन सा है, दुआ, अल्लाह ताला से दुआ मांगने की क्या अहमियत है, ठीक है। सवाल है हमारा, अल्लाह ताला से दुआ मांगने की क्या अहमियत है। ठीक हो गया, अल्लाह ताला से दुआ मांगने की क्या अहमियत है। अब देखें कि जो ये हमारा सवाल है, हम पहले जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे, हमने जो पहले इससे पहले मुख्तसर सवालात किए, उसमें हमने काफी हद तक जिक्र किया कि ये क्या होता है। अब हमने एक तफसीली सवाल की सूरत में इसको लिखना है, और वो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसके जवाब में सबसे पहले आपने क्या बात लिखनी है, सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि दुआ जो है वो है क्या, ठीक है, दुआ का मफहूम क्या है, ठीक है, क्या लिखेंगे आप, दुआ का मफहूम, सबसे पहले दुआ का मफहूम लिखेंगे। और दुआ के मफहूम में क्या आते हैं, उसके लफ्जी मानी है पुकारना के, ठीक है, क्योंकि जब हम अरेबिक से इसको ट्रांसलेट करते हैं कि अरबी जुबान से इसका तर्जुमा करेंगे तो क्या आएगा, पुकारना, ठीक है। और इस्तलाह में दुआ से मुराद अल्लाह ताला को कादर मुतलिक मानते हुए उसकी बारगाह में दरख्वास्त पेश करना है, मतलब लफ्जी मतलब पुकारना है, लेकिन अब किसको पुकारना है, ये हमारी इस्तलाह के मुताबिक इसका मतलब ये होता है कि हम अल्लाह ताला को कादर मुतलिक मानते हैं, क्योंकि दुआ हम सिर्फ अपने परवरदिगार से मांगते हैं, इससे हेल्प मांगना एक अलग बात है, हम अपने दोस्त अहबाब से, अपने जानने वालों से कह सकते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, आप मेरी मदद कर दें, लेकिन दुआ जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक हस्ती है दुनिया में, और वो है हमारा परवरदिगार, हमारा रब, हम उससे दुआ मांगते हैं, बेशक हम किसी वसीले से मांगे, जो मर्जी मांगे, मगर मांगते हम सिर्फ अल्लाह ताला से, उसके सिवा हम और किसी से दुआ नहीं मांग सकते। इसलिए दुआ का लफ्जी मानी तो पुकारना है, लेकिन इसका जो इस्तलाही मानी है, यानी कि हमारे हिसाब से वो ये है, इस्लाम के अकॉर्डिंग वो ये है कि अल्लाह ताला को कादर मुतलिक मानते हुए उसकी बारगाह में दरख्वास्त पेश करना। आवाज किसको नहीं आ रही, तानिस को नहीं आ रही, बाकी सबको तो आ रही है आवाज जी। बेटा तानिस, आप अपना माइक चेक करें, अपना स्पीकर देखें, स्पीकर देखें आप अपना, हाँ जी बाकी तो सबको आ रही है, ठीक है बेटा तानिस, आप अपना स्पीकर चेक करें, वहां से शायद आवाज में कोई मसला होगा, ठीक है जी, देखें बेटा, ठीक है, चेक कर लें आप कि बाकी सब बच्चों को तो आवाज आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, चले अब हम आगे चलते हैं, हाँ जी आ रही है, ठीक हो गया। इसके बाद है दुआ की अहमियत, पहले हमने उसके लफ्जी माने की बात की, फिर हम उसके बाद आगे चलते हैं उसकी अहमियत की तरफ, ठीक है, दुआ की अहमियत।
अब इसकी अहमियत क्या है, पहले उसका मफहूम था, अब इसकी अहमियत है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगना आला दर्जे की इबादत है कि परवरदिगार ने जितनी भी इबादत रखी है इसमें दुआ मांगना भी एक इबादत है। ठीक है, दुआ मांगना भी एक बहुत बड़ी इबादत है। हम ये ना समझे कि शायद हमने इबादत कर ली है तो दुआ कोई खास अहमियत की हमें नहीं, ना सिर्फ हमारी जो है जो हाजात हम मांगते हैं अल्लाह से वो तो परवरदिगार पूरी करता ही है, इसके अलावा जब हम दुआ मांगते हैं तो दुआ मांगने का जो सवाब है वो भी एक जो है हमारी इबादत के तौर पर हमें दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इबादत की रूह करार दिया है। जब कोई बंदा इंतहाई आजजी और सादगी के साथ अल्लाह की बारगाह में अपनी हाजात पेश करता है, हाजात अपनी ख्वाहिशात को, और इसी को हाजत रवा और कारसाज। हाजत रवा किसे कहते हैं? हाजत रवा कहते हैं हाजत पूरी करने वाले को। ठीक है, हाजत पूरी करने वाला। ठीक है, और कारसाज किसे कहते हैं? सब कुछ करने वाला। ठीक है, सब कुछ करने वाला उसे कहते हैं हम कारसाज। ठीक है, तो जिसको तो इसी को हाजत रवा और कारसाज समझता है तो अल्लाह ताला खुश होता है क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों से बेहद प्यार करता है। आप वैसे भी देखिए ना कि दुनिया में अगर हम अपने अपनी जिंदगी में जो हमारे रिश्ते हैं, हमारा जो रहन सहन है, उसमें अगर हम गौर करें तो जिससे हमें बहुत ज्यादा प्यार होता है, जिसके साथ हमारी बहुत ज्यादा बनती है, हम उससे कोई भी बात कहते हुए इतने परेशान नहीं होते। जैसे कि हम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं तो अपनी माँ से कोई भी ख्वाहिश का इजहार करना हो तो हमें मसला नहीं होता, हम फौरन कह देते हैं ना कि अम्मा मामा हमें ये चाहिए, हमें ये चीज लेके दे दें। ठीक है, हम क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी माँ हमसे बहुत प्यार करती है, जब हम मांगेंगे तो वो नाराज नहीं होंगी बल्कि वो जितनी भी कोशिश करेंगी वो हमें जरूर देंगी। ठीक है ना, ऐसे ही होता है, आम दुनिया की मैं मिसाल दे रही हूँ आपको। तो इसीलिए जब हम अपने परवरदिगार से मांगते हैं तब हमारे जहन में तो ये तो सवाल नहीं आ सकता ना कि वो हमें दे सकता है या नहीं, क्योंकि ये हम जानते हैं कादरे मुतलिक, यानी उसके उसके पास इख्तियार है। लेकिन हम दुआ ये मांगते हैं कि अगर वो हमारे लिए बेहतर समझता है तो हमें जरूर दे, और फिर हमें जब हम उससे मांगते हैं तो ये इस बात का इजहार होता है कि हम उससे मोहब्बत करते हैं, हम उस पर यकीन रखते हैं तो हम उससे मांग रहे हैं। तो अपने परवरदिगार पर यकीन रखते हुए, उससे मोहब्बत करते हुए, उससे प्यार करते हुए जब हम उससे सवाल करते हैं, उससे मांगते हैं तो ये परवरदिगार को बे इंतहा पसंद है। ठीक है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो नमाज है वो दुआ जो है वो इबादत की रूह है। अब देखिए, रूह के बगैर कोई भी चीज जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए जो इबादत है अगर हम दुआ मांगे, मैंने जैसे कल भी जिक्र किया था, अगर हम नमाज पढ़ते हैं और नमाज के बगैर बाद हम दुआ मांगे बगैर उठ जाते हैं तो वो परवरदिगार उसको पसंद नहीं करता। वो पसंद करता है कि उसका बंदा जब इबादत कर ले, नमाज पढ़ ले, तो उसके बाद वो जरूर अपने परवरदिगार के सामने सर झुकाकर अपने हाथों को फैलाकर उसे दुआ मांगे। और अगर हम दुआ नहीं मांगते तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे अंदर तकब्बुर है, गुरूर है, हम अपने आप को बहुत आला समझते हैं, या हम ये समझते हैं कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अपने परवरदिगार के सामने हमेशा मांगे, हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए मांगे, ये नहीं है कि कोई बड़ी बड़ी ख्वाहिशात हो तो इंसान को मांगना चाहिए। दुनिया में हम किसी के सामने मांगते हुए शर्मिंदा हो सकते हैं लेकिन अपने रब के सामने कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे, क्योंकि हमारा रब चाहता है कि हम उनसे मांगे, बार बार मांगे, छोटी छोटी बातें मांगे। अगर हमें देखें कि इंसान को छोटी सी चीज नहीं मिल रही, अगर एक सेकंड के लिए आपका पेन गुम हो गया, यहाँ वहां कहाँ गया, फौरन दुआ मांगे मेरे अल्लाह मुझे जल्दी से मेरा पेन मिल जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आपने गलत बात की। जब आप अपने परवरदिगार से, अपने रब से करीब होते हैं तो इसीलिए आप हर लम्हे इसको याद करते हैं। छोटी सी चीज के लिए आपने उसको याद किया, अगर हल्का सा भी आपके हाथ में दर्द है और आप अपने रब से कहेंगे कि परवरदिगार मेरा जल्दी से ठीक हो जाए, उसका मतलब ये नहीं है कि आप बुज़दिल हैं, इसका मतलब है कि आपको अपने अपने अल्लाह से मोहब्बत है, कि हम अपने अल्लाह से, अपने खुदा से, अपने परवरदिगार से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम छोटी छोटी बात के लिए उसको पुकारते हैं, क्योंकि हम महसूस करते हैं कि वो हमारी हर बात सुनता है, हमारी हमारी हर परेशानी को, हर मुश्किल को दूर कर सकता है, हमें इस बात पर यकीन है। इसलिए ये सोच के हमें दुआ मांगनी चाहिए और ज़रूर मांगनी चाहिए।
और यही हमारा परवरदिगार हमसे चाहता है। और यही कहा गया कि यही दुआ की अहमियत है कि आला दर्जे की इबादत भी है। फिर जब हम दुआ मांगते हैं, एक तो हमने अपनी हाजत पूरी करवा ली अल्लाह से, अपनी ख्वाहिश के लिए हमने अल्लाह से मांगा तो अल्लाह हमें उम्मीद होती है हमें अल्लाह देगा, इसके साथ साथ हमें सवाब भी मिल गया कि हमने दुआ मांगी है। और देखिए एक और बात जो है, जो दुआ के आदाब भी शामिल है और दुआ कबूल करवाने के लिए, एक तो ये होता है कुछ चीज़ों का हमेशा आप ज़रूर ख्याल रखें, उसमें ये अब आगे आपके दुआ मांगने के जो आदाब हैं उसका सवाल ज़रूर आएगा, ठीक है, वो आगे आएगा उसमें हम जो पढ़ेंगे, लेकिन ये एक वो चीज़ है कि जो शायद उस आदाब से हट कर है। जब दुआ मांगी जाए सबसे पहले ये तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजे और उसके बाद दुआ मांगे, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला दरूद व सलाम को बहुत पसंद करता है। जब हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेज लेंगे उसके बाद फिर हमेशा पहले दूसरों के लिए दुआ मांगे, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए, अपने जानने वालों के लिए, अगर किसी ने आपसे कह दिया हो कि मेरे लिए दुआ करो उसके लिए, या उसके अलावा भी जो आपको इर्द गिर्द लोग नजर आते हों परेशान हो उसके लिए दुआ करें, पर आखिर में अपने लिए दुआ करें, तो वो दुआ आपकी बहुत जल्द कबूल होती है। क्योंकि जब हम किसी दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, वो इस बात को बहुत अजीज रखता है कि हम अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने माँ बाप और ख़ास तौर पर अपने माँ बाप के लिए ज़रूर दुआ मांगें। ज़रूरी नहीं कि आपके माँ बाप को कोई ख्वाहिश हो तो आप उसके लिए दुआ मांगें, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी सेहत और सलामती के लिए, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए। और ये कहा गया कि अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी कर दूं तो उसको चाहिए कि वो अपने माँ बाप के लिए दुआ किया करे। ठीक है, हदीस के अल्फाज में मैंने थोड़े से तरतीब से शायद नहीं बयान किया, लेकिन उसका मफहूम यही है कि अगर इंसान को कामयाबी चाहिए तो वो अपने माँ बाप के लिए दुआ करे। ठीक है, तो अपने माँ बाप के लिए दुआ करे, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने असातिज़ा के लिए, ठीक है, सब के लिए दुआ करें। और जिसके बारे में आप जानते हो कि उसको परेशानी है, कोई मसला है, उसके लिए खास तौर पे दुआ करें। जब फिर दुआ करें और आखिर में अपने लिए दुआ करें तो आपकी दुआ जो है वो ज़रूर कबूल होगी। एक मरतबा जो है वो जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा वो बैठी हुई थी अपने जायनमाज पे, नमाज के बाद उन्होंने दुआ मांगी और थोड़ी सी बुलंद आवाज़ से वो जो है वो नमाज पढ़ रही थी। उनके पास जब दुआ मांगने के बाद दुआ मांग रही थी, दुआ मांगने के बाद उनके पास उनके बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाते हैं। जब वो दुआ मांग चुकी तो उन्होंने अपनी वालिदा से सवाल किया कि अम्मा जान आपने सबके लिए दुआ मांगी, पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अजीज़ों के लिए, तो अपने लिए दुआ नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि मैंने अपने लिए दुआ इसलिए नहीं मांगी कि मैं जब इन सबके लिए दुआ मांगूंगी तो मेरा परवरदिगार मेरी हाजात को, मेरी परेशानियों को दूर फरमा देगा। ये कितनी बड़ी बात होती है कि अगर हम दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए, और फिर अगर हम मांगे भी सही तो वो जरूर सुनता है, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए मांगते हैं तो ये जो अमल है वो हमारे अल्लाह को बहुत पसंद है। अपने लिए भी मांगे लेकिन पहले दूसरों के लिए मांगे और आखिर में अपने लिए दुआ मांगे। ठीक हो गया, अच्छा जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम इससे आगे चलते हैं कि अल्लाह ताला का इरशाद इसके बारे में क्या है। अब ये हमने इसकी अहमियत बयान की थी, उस हवाले से अल्लाह ताला का इरशाद है वो हम जो है उसका जिक्र कर लेते हैं। ए पैगंबर, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें, दरियाफ्त करने का मतलब क्या होता है, पूछें, ए मेरे पैगंबर यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला मुखातिब होता है, वो कहता है कि जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो कह दो कि मैं तुम्हारे पास हूँ, जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। ठीक है, अब ये कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि जिसमें परवरदिगार अपने बंदे को दुआ की तरफ रागिब कर रहा है, दुआ की तरफ बुला रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इरशाद बारी लिखेंगे। अगली हेडिंग जो हमारी वो क्या होगी, इरशाद बारी की या इरशाद परवरदिगार, ये उससे अगली हेडिंग होगी हमारी। पहले हमने कहा कि दुआ का मफहूम, फिर दुआ की अहमियत, फिर हमने लिखा इरशाद बारी, और इसमें हमने बताया कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर से कहा कि ए मेरे पैगंबर, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो तुम कह दो कि मैं तुम्हारे पास हूँ, यानी कि अल्लाह ताला कहता है कि मैं अपने बंदों के हर वक्त पास हूँ। ठीक है ना, दुआ हमारे, हमें पता है कि कोई हमारे पास होगा तो हमारी आवाज़ सुनेगा ना। हम जब किसी को बुलाते हैं तो हम तब उसको पुकारते हैं जब हमें नजर आता है कि वो हमारे पास है। तो अपने परवरदिगार को पुकारने का मतलब यह है कि वो हर लम्हा हर वक्त हमारे करीब है, हमारे पास है। ठीक है,
तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम मेरे बंदे से, जब तुम्हारे बंदे मुझसे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो उनसे कह दो कि मैं तुम्हारे पास हूँ। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी हाजत, उसकी दुआ कबूल करता हूँ। ठीक है, कि अल्लाह ताला जो है पुकारने वाले की दुआ को जरूर कबूल करता है। अच्छा जी, ये हमारा सवाल था आज का, दुआ मांगने की क्या अहमियत है। अच्छा जी, इसके बाद हमारा जो है एक सवाल और है, दुआ मांगने की फजीलत है। ठीक है, और अब देखेंगे ये अहमियत और फजीलत जो ये दोनों सवाल है ना, ये मिलते जुलते ही हैं। फजीलत भी वही है, अहमियत भी वही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसमें जो है वो फर्क है। उस फर्क के साथ एक और तफसीली सवाल भी बना दिया गया है, और आखिर में क्या है, एक और सवाल है कि सवाल नंबर 3 है एक और, कि कुरान मजीद में दुआ मांगने के बारे में अल्लाह का क्या इरशाद है। फिर अगला सवाल है, दुआ मांगने के आदाब बयान किए जाएं। ठीक है, तो इसके साथ जो है मेरा ख्याल है कि हम जो आखिरी सवाल है ना आदाब वाला, आज उसको थोड़ा सा भी कर लेते हैं, क्योंकि वो इसमें से आधी चीजें तो हम पहले कर चुके हैं। जी बेटा, इस बारे में अभी मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ कि स्कूल जो है वो खुल रहे हैं या नहीं, अभी खबरें ही हैं। मुकम्मल जब नोटिफिकेशन आएगा तो इंशाल्लाह आपको उसके बारे में जो है बाखबर कर दिया जाएगा, मैसेज आपके ग्रुप में आ जाएगा इंशाल्लाह। अभी मैं हतमी बात नहीं कह सकती कि 24 से खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है, इंशाल्लाह उम्मीद तो ये रखी जा सकती है कि खुल जाएंगे। अब हम देखते हैं दुआ मांगने के आदाब। ये तफसीली सवाल नंबर 4 है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आदाब हैं। सबसे पहले कि अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगने के आदाब कौन से। नंबर 1, बेहतर है कि दुआ बावजू होकर मांगी जाए। कल भी हमने इस बारे में बात किया था। नंबर 1, बावजू होकर नमाज मांगी, दुआ मांगी जाए। ठीक है, बावजू होकर। नंबर 2 क्या है, दुआ किबला रुख होकर मांगी जाए। ठीक है, कल भी हमने ये बात की थी कि दुआ किस तरह की जाए, किबला रुख होकर की जाए, यानी किबला की तरफ अपना मुंह किया जाए, तो अल्लाह ताला जो है वो उस दुआ को ज्यादा जल्दी सुनता है। ठीक है, ये किबला जो है वो हमारे परवरदिगार का, अल्लाह का घर है, और हम जब उसकी तरफ रुख करते हैं, कोई भी हमने अच्छा काम करना हो, इबादत करनी हो, तो इसमें बेहतरीन ये होता है कि किबला रुख करके किया जाए। ठीक है, वाजिब नहीं होता लेकिन ये आदाब में शामिल है। फिर है दुआ के वक्त हथेलियों का रुख चेहरे की जानिब हो और दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेर लिया जाए। ठीक है, हथेलियों का रुख जो है वो कहाँ हो, चेहरे की तरफ हो। हथेलियों का रुख चेहरे की तरफ हो। ठीक हो गया, ये भी एक जो है दुआ मांगने के आदाब में से है। फिर है आगे है जी कि दुआ मांगते वक्त पूरा ध्यान अल्लाह की तरफ हो। देखिए, जब हम जुबान से मांग रहे हो और ध्यान हमारा कहीं और पहुंचा हुआ हो, अच्छा अभी मैंने फलां चैप्टर भी करना था, आज मैंने खेलना भी था, आज मैंने ये भी करना था, ऐसे सवाल जहन में आ रहे होते हैं ना बार दफा, अभी तो मैंने ये काम करना है, और आप मांगे जा रहे हैं मुंह से, जुबान से दुआ मांग रहे हैं, ध्यान हमारा कहीं नहीं। दुआ मांगते हुए सिर्फ और सिर्फ फोकस करना होता है हमने, हमारा परवरदिगार सुन रहा है और हम उससे मांग रहे हैं, और वो ही मांगे जो आपने मांगना है, बाकी आपका ध्यान कहीं नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, ध्यान से, ध्यान पूरी तरह अल्लाह की तरफ हो। ठीक है, अच्छा जी, अगला आदाब में से क्या है। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद क्या है कि दुआ इंतहाई आजजी और खशुए खुज़ से मांगी जाए। खशुए खुज़ क्या होता है, बहुत मतलब वही बहुत उसके साथ ध्यान के साथ, बिल्कुल आपको कहीं इर्द गिर्द का होश नहीं कि क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ ध्यान है। ठीक है, तो बहुत आजजी के साथ का मतलब क्या होता है, अपने आप को हकीर समझना, अपने परवरदिगार को बहुत आला समझना, उसके सामने इजहार करना कि हम कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत आजजी के साथ दुआ मांगी जाए और खुशुए खज़्ब के साथ। उसके बाद क्या है,
दुआ मांगते हुए दिल में पुख्ता यकीन हो कि अल्लाह ताला दुआ को जरूर कबूल करेगा। यानी हम पहले ये ना सोच रहे हैं पता नहीं अल्लाह मेरी सुनेगा कि नहीं सुनेगा, पता नहीं ये दुआ कबूल होगी या नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं, पुख्ता यकीन हो। किस बात पर पुख्ता यकीन हो? कि अल्लाह जरूर सुनेगा, कि ये हो ही नहीं सकता कि मेरा परवरदिगार मेरी दुआ को रद्द कर दे। इस यकीन के साथ हमें चाहिए कि हम अपने परवरदिगार से दुआ करें। फिर है, अगर दुआ कबूल ना हो तो बेसब्री का मुजाहरा ना किया जाए बल्कि बार बार दुआ की जाए। ठीक है, बेसब्री जो है वो ना की जाए, बेसब्री ना हो। ठीक है, बेसब्री का मुजाहरा ना हो, बेसब्री ना हो। उसके बाद क्या है, दुआ में सबसे पहले अल्लाह की हमदो सना बयान की जाए, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ा जाए, इसके बाद अपने लिए दुआ की जाए। ठीक है, क्योंकि ये दुआ के आदाब में शामिल है कि हम सबसे पहले अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करें, उससे उसकी बड़ाई बयान करें कि परवरदिगार तू बहुत अजीम है, तू सबसे बड़ा है, तेरे जैसा कोई भी नहीं है। उसके बाद फिर अपनी जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजा जाए, उसके बाद फिर जो है अपनी दुआ शुरू की जाए। और ये ज़रूर आपने करना है कि पहले सबके लिए दुआ मांगनी। ठीक है, ये यहाँ लिखा नहीं हुआ लेकिन ये आपके लिए कि आपने पहले दूसरों के लिए दुआ की जाए। बेशक आप लिख भी सकते हैं जुमला कि पहले दूसरों के लिए दुआ की जाए और आखिर में फिर अपने लिए दुआ की जाए। ठीक है, ये जी आपका है दुआ मांगने के आदाब। तो सबसे पहले ये कि अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगने से पहले क्या किया जाए, वजू किया जाए, फिर कोशिश की जाए कि किबला रुख हो के दुआ मांगी जाए, हथेलियों का रुख चेहरे की तरफ होना चाहिए और दुआ के बाद हम उस हाथ को चेहरे पर फेर लें। फिर दुआ मांगते वक्त हमारा ध्यान अल्लाह की तरफ होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इंतहाई आर्जी के साथ और खुशु खज़ के साथ हमें दुआ मांगनी चाहिए, कि जिस तरह पूरे यकीन के साथ। फिर दुआ मांगते वक्त हमारे दिल में ये पुख्ता यकीन हो कि हमारा परवरदिगार हमारा रब हमें जरूर अता करेगा। यानी ये ना सोचें कि पता नहीं दुआ पूरी होगी कि नहीं होगी, पता नहीं क्या बनेगा, नहीं, जरूर होगी, इंशाल्लाह होगी। इस तरह सोच के आपने दुआ मांगनी है अल्लाह ताला से। ठीक है, और अगर कभी ऐसा होता है ना कि हमारी दुआ जल्दी कबूल नहीं होती, तो उस पर मायूस नहीं होना, बेसब्रे नहीं होना कि पता नहीं क्यों नहीं हो रही, इतनी देर हो गई। सब्र के साथ, हौसले के साथ इंतज़ार करना है कि अल्लाह ताला ज़रूर सुनेगा। अगर फौरन नहीं भी पूरी हुई तो ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, स्क्रीन शॉट आपने लेना है, आप ले लें, इसको ज़रा मैं ठीक से लिख लूँ। हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा, आपने फिर क्या करना है कि उसके बाद अगली क्या चीज़ है कि आप जो है अगर दुआ कबूल नहीं होती तो फिर आपने बार बार दुआ करनी है अपने परवरदिगार से। और उसके बाद जो है दुआ करने के बाद आपने यकीन रखना है कि वो ज़रूर हमारी दुआ सुनेगा। और उसके अलावा आपने दुआ मांगने से पहले अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करनी है। ठीक है, अल्लाह हमदो सना जी जी ले लिया, चले जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, हमदो सना बयान करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपने जो है वो दुरूद भेजना है, और दुरूद भेजने के बाद फिर आपने पहले दूसरों के लिए दुआ मांगनी है और फिर अपने लिए दुआ मांगनी है। ठीक है, ये आपकी जो है वो आपका आखिरी जो नमाज दुआ मांगने के अदाब में से आखिरी अदब है। ठीक हो गया, तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है ये इख्तिताम पज़ीर हो गया है। आज हमने दो हमारे तफसीली सवाल किए। पहला हमने किया दुआ मांगने की अहमियत, हमने उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है इरशाद भी बयान किया कि उन्होंने इसको इबादत की रूह कहा है। फिर अल्लाह का इरशाद हमने बयान किया कि अल्लाह कहता है कि लोगों से कहो कि मुझे पुकारे, मैं तुम्हारे करीब हूँ। ठीक है, फिर हमने इसकी जो आदाब बयान किए हैं, आदाब में हमने 8 आदाब बयान किए जो मैंने 2 दफ़ा दोहरा दिए हैं। ठीक है, आपने अब ये जो सवाल हैं दोनों इनको अच्छी तरीके से याद करना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने कल सवाल लिखा था ना, आज नहीं लिखना, आज आप सिर्फ ये दोनों सवाल याद करेंगे लेकिन मेरा बेटा अच्छे से याद करेंगे। और कोशिश करें कि मुश्किल अल्फाज को ज़रूर रफ कॉपी पर लिख कर देखें। ठीक है, अब मुझे बताएं अगर कोई इस हवाले से सवाल है तो मुझे बता दें। ठीक है, बाकी ये मैं आपको इनका तस्वीर लेकर ग्रुप में भेज दूंगी। ठीक है, ये जो दोनों सवाल हैं, बल्कि इसके सारे लॉन्ग मैं आज भेज दूंगी ना, फिर बाद में जब कल भी हम पढ़ेंगे तो आप वहीं से याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी 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 बिल्कुल, मैं भेज दूंगी। ठीक है, शाबाश, ठीक है बेटा,
बाकी पिक्चर मैं भेज दूंगी, मैं अभी वही कह रही थी। थैंक्स फॉर रिमाइंडर, थैंक यू उषा। और हाँ जी, और किसी बच्चे को कोई सवाल नहीं है बेटा तो फिर मैं मीटिंग जो है वो एंड कर देती हूँ। नोट्स आ गए हैं, पता नहीं बेटा आप पता कर लीजिएगा शालीमार से या वो बुक मार्ट से, ठीक है, पूछ लीजिएगा कि नोट्स आए हैं या नहीं आए, क्योंकि उर्दू के पहले तो नहीं आए थे, आप दोबारा से चेक कर लें, हो सकता है आप आ गए हों इस्लामियत और उर्दू दोनों के, ठीक है, पता कर लीजिएगा दोबारा से। ठीक हो गया, चलें, ठीक है बेटा, फिर आप अपना ख्याल रखें, जो है वो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।